जेपी नगर से केदारनाथ तक पदयात्रा पर निकले चार श्रद्धालु 20 दिन बाद केदारनाथ पहुंचकर करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। दरअसल आस्था और श्रद्धा अगर मन में आ जाए तो व्यक्ति रुक नहीं सकता। ऐसा ही एक उदाहरण जेपी नगर से केदारनाथ तक पैदल यात्रा पर निकले चार श्रद्धालुओं का है। जेपी नगर के हसनपुर निवासी अजय राणा, कपिल कुमार, विकास रायल, नरेश कुमार, चारों श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा केदारनाथ धाम के ग्रीष्मकाल के लिए कपाट खुल चुके हैं। हम चारों लोग अपने घर से बाबा केदारनाथ तक पैदल यात्रा पर निकले हैं। 20 मई को अपने घर से पैदल चले श्रद्धालु लगभग 20 दिन बाद केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। चारों श्रद्धालुओं ने बताया कि हम लोग पैदल मार्ग से बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इस बीच हम रास्ते में किसी से सहयोग एवं मदद के नाम पर कोई भी धनराशि नहीं लेंगे। रात्रि विश्राम चांदपुर में करने के बाद श्रद्धालु गंतव्य के लिए रवाना हो गए। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या नाम है? विकास। नरेश रोय। कहाँ रहते? अमरोहा हसनपुर। अच्छा, ये जो आप लोग यात्रा पर निकले हुए हैं, जरा इसका उद्देश्य बताएंगे, क्या है, कहाँ तक जाएंगे? तो हम यहाँ अमरोहा से जा रहे हैं, अमरोहा के हसनपुर से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा, जिसकी कुल दूरी 400 किलोमीटर है। और ये यात्रा हमारी विदाउट मनी है, कोई हम पैसा लेके नहीं जा रहे घर से, विदाउट मनी जा रहे हैं। तो जैसा भी होगा आप लोग सपोर्ट करो हमें, धन्यवाद। जय श्री केदार। कौन तारीख में शुरू की यात्रा? ये हमने 20 तारीख को शुरू करी थी। और कब तक पहुँचेंगे वहाँ? कौन तारीख? समथिंग हमें 20-22 दिन लग जाएंगे पहुँचने में वहाँ पे। अच्छा, आपके साथ क्या क्या सामग्री है पैदल यात्रा? हमारे पास हमारे कपड़े हैं, हमारा कैंपिंग टेंट और पावर बैंक और फोन वोन, ये कैमरा हमारे साथ, बस इतना ही है। तो इस समय आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं? अब हम चले थे धनोरा से, अब चांदपुर हमने पकड़ लिया, मतलब यहाँ से चांदपुर रुकेंगे, कहीं मंदिर से मंदिर मिलेगा तो वहीं पे ठहरेंगे, रात्रि विश्राम चांदपुर रहेगा। सवेरे फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। आगे की यात्रा कर लेंगे।